व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी आपके एग्जाम्स हुए हैं नवंबर 2015 में। आईपीसीसी और फाइनल के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से आज मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। और वो क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पूछते हैं, बार बार और बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, आज के बाद नहीं पूछेंगे सर। और वो क्वेश्चन है, क्या सीए एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होती है? खासकर जैसे टैक्स का पेपर है, टैक्स के पेपर में आप देखते हैं कि सर एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आ गया फर्स्ट वाला, वो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 16 मार्क्स तक का होता है। अब उसमें में से आप ये बात मान के चलिए सर, कम से कम 80-85 ज़्यादा इशू से 90% बच्चों का वो आंसर कभी भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो बिल्कुल करेक्ट हो। अब सर उसी क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये 101% 101% इट इज श्योर दैट आईसीआई में स्टेप मार्किंग होती है, चाहे वो टैक्स का पेपर हो, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो, चाहे वो कॉस्ट का पेपर हो। फॉर एग्जांपल सैलरी का क्वेश्चन आया, अब सर सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट आ गए, एक पेंशन आ गया, ग्रेचुटी आ गया, एचआरए आ गया आपके लिए सर, और इसके अंदर बहुत बहुत सारे तरह के परक्विजिट आ गए, कार का परक्विजिट आ गया और बहुत सारे अलाउंसेज आ गए। तो अगर आपसे एक चीज गलत हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी जो चीज़ें आपने ठीक करी उसके मार्क्स हैं, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये सर आईसीआई की इंटरनल गाइडलाइंस होती हैं कि किस स्टेप के कितने मार्क्स हैं। यस, ये आईसीआई की गाइडलाइन होती है। तो अगर आप मेरी बात माने तो सर, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आता तो उसे बिल्कुल ब्लैंक ना छोड़े, आप उसके सारे स्टेप्स करके आए एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। एक बात। दूसरी बात, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको प्रूफ दूंगा कि सर आईसीआई खूब स्टेप मार्किंग करता है, खूब स्टेप मार्किंग करता है। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें स्टेप मार्किंग के सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।